So hey guys, this is MT Writer Harsh and back again with another video. So guys, आज की वीडियो के अंदर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं जो है अपनी स्कूटी के अंदर हैजर्ड स्विच लगाने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं था, ये BS6 स्कूटी है। तो इसके अंदर मैं हैजर्ड स्विच लगाने वाला हूँ, तो आप इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हो उसको दबा देना, साथ ही बगल के बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और इस वीडियो को आप सबसे पहले देख सको। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी फेयरिंग खोलनी पड़ेगी आगे वाली, ये वाली। तो इसको खोलने के लिए आपको सबसे पहले एक ये बोल्ट खोलना पड़ेगा और एक सेम इस साइड में एक ये बोल्ट है, तो आपको सबसे पहले इन दोनों बोल्टों को खोल लेना है। तो गाइस ये मैंने दोनों बोल्ट खोल दिए। तो गाइस उसके बाद आप लोग इसके नीचे देखोगे, इसके ये इधर साइड में आपको एक ये बोल्ट खोलना और इसके एक जस्ट ये दोनों बोल्ट खोल लेने हैं। तो गाइस वो चारों बोल्ट खोलने के बाद आपका जो ये है इसको आपको खींच के निकाल लेना है और आपको थोड़ा इसको दम लगाना पड़ेगा क्योंकि जो BS6 गाड़ी है इसके अंदर लॉक का सिस्टम है, तो इस वजह से इसमें लॉक लग रहा है, तो आपको उनको थोड़ा खींच कर और निकालना पड़ेगा। सो गाइस ये इसका फेयरिंग खुल चुका है आगे का, आप लोग देख सकते हो इसमें खुल चुका है और आपको इसको खोलते टाइम आपको ऐसा लगेगा कि ये टूट रहा है, पर ये टूटेगा नहीं। आप लोग देख सकते हो ये इसके जो लॉक्स हैं, ये इसके सभी लॉक्स खुल चुके हैं। सो गाइस इसको खोलने के बाद आपको क्या करना है, एक स्विच की जरूरत पड़ेगी आपको, तो ये मैं टिक टैक वाला स्विच ले रहा हूँ। ये आपको इजीली 10 रुपए का या 15 रुपए का बाइक वालों की शॉप पर मिल जाएगा। आप लोग कह सकते हो जो स्कूटी के लिए इंडिकेटर के लिए स्विच चाहिए हैजर्ड लगाने के लिए, या फिर आप हैंडल माउंट वाला भी ले सकते हो, पर आप इसके हैंडल पे किधर लगाओगे, जगह ही नहीं रहती। तो सबसे बेस्ट है आप यही वाला स्विच ले लेना। तो इस स्विच को लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आपके में इस साइड में चौक वाला सिस्टम है तो आपको आप तो इधर नहीं लगा पाओगे, तो मेरी BS6 है तो इसमें चौक का सिस्टम बिल्कुल नहीं है, तो मैं इसको इधर लगाने वाला हूँ। अगर आपके में यहाँ पे चौक का लग रहा हो तो आप इसको इधर या फिर इधर कहीं भी लगा सकते हो। तो मैं इस स्विच को इसके अंदर मैंने आपको दिखा दिया है, होल कर दिया है। आप ये होल या तो ड्रिल मशीन से कर सकते हो या फिर सोल्डरिंग आयरन किसी से भी कर सकते हो। तो इन दोनों में मैं वायर लगा कर दो और इसको इसमें कस देता हूँ। तो गाइस ये मैंने इसमें माउंट कर दिया और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लैक मैट ब्लैक कलर कर दिया जिससे थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। और ये जो दोनों वायर हैं ये देख सकते हो आप, इसी स्विच में से आ रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों वायरों को आपको कनेक्ट कहाँ पर करना है। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो ये जो इंडिकेटर है इसका आपको कपलर ढूंढना है। आप लोग देख सकते हो ये इंडिकेटर का ही कपलर है ये वाला, तो आपको इसमें दो वायर दिखेंगे। आप लोग देख सकते हो ये इसमें एक ग्रीन है एक स्काई ब्लू है, तो आपको क्या करना है जस्ट इसका कपलर खोलना है और इसमें से एक तार जो हमने स्विच में लगाया है एक तार आपको इसमें स्काई ब्लू कलर के वायर में आपको लगा देना है जो पॉजिटिव होता है इस इंडिकेटर का,
उसमें लगा देना है। और जो सेकंड जो इंडिकेटर है उसका भी आप कपलर देख सकते हो, ये इसमें एक ऑरेंज है एक ग्रीन है, तो आपको इसमें ऑरेंज में लगा देना है इसको, यानी कि जो ग्रीन वायर है वो नेगेटिव की सप्लाई होती है अर्थ, तो आपको उसमें नहीं लगाना, आपको पॉजिटिव पॉजिटिव में इन दोनों वायरों को लगा देना है जो स्विच से आ रहे हैं। तो मैं इनको लगा लेता हूं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने इसमें दोनों में तार लगा दिए, एक इस वाले सॉकेट में लगा दिए, एक इस वाले में लगा दिया। तो अगर आपके में थोड़ा थोड़ा इसमें वायर रह जाता है तो आप उस पर टेप भी कर सकते हो, तो मैंने तो इसमें पूरा लगा दिया। तो अब मैं इसको पूरी को पैक कर देता हूँ और फिर आपको मैं इसकी टेस्टिंग करवा कर दिखा देता हूँ। सो गाइस फाइनली ये मैंने स्कूटी पूरी पैक कर दी है और वो इसमें लग भी चुका है हाजार्ड स्विच, तो अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग कर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमको इसकी चाबी को ऑन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से इसकी चाबी ऑन कर देता हूँ। तो ये चाबी भी ऑन हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक इंडिकेटर जला देना है। तो अभी आप लोग देख सकते हो इसके मीटर में इस साइड का इंडिकेटर चल रहा है, लेफ्ट साइड का, तो आप लोग देख सकते हो अभी इसी साइड का चल रहा है। और जैसे ही मैं स्विच को खींचता हूँ तो आप लोग देख सकते हो ये दोनों जल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो अब ये दोनों जल चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हो अभी चार इंडिकेटर चल रहे हैं। तो मैं जैसे ही इसको बंद करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो इधर का और उधर का ही चल रहा है सिर्फ, और जब तक आपको ये एक स्विच ऑन नहीं करोगे तो तब तक नहीं चल रहा ये, तो आप लोग देख सकते हो। तो पीछे से भी दिखा देता हूँ, तो ये पीछे के भी चल रहे हैं चारों। तो देख सकते हो आप, और मैं जैसे ही स्विच को बंद करूंगा आप मीटर में भी देख सकते हो दोनों चीज दोनों चल रहे हैं। मैं जैसे ही स्विच को बंद करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो और ये भी बंद हो चुका। होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नोट सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बगल के बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सको। सो मैं मिलूंगा आप किसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय फ्रेंड्स।